बिहार में सीएम नीतीश और भाजपा की गठबंधन की सरकार है, जिसके कारण बिहार में गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का बोलबाला है। लेकिन भाजपा को सिवाय नफरत फैलाने के कोई और दूसरा मुद्दा दिखता ही नहीं है। यानी इसी बीच लालू तेजस्वी की पार्टी आरजेडी की एमएलसी उम्मीदवार मुन्नी रजक का सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें और भाजपा को कपड़े धोते हुए खरी खोटी सुना रही है और सोशल मीडिया पर इनका ये अंदाज देखकर लोग खूब मजे ले रहे हैं। आपको भी एक बार ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आप एक बार ये वीडियो देखिए। सुना आपने दोस्तों, लालू तेजस्वी की पार्टी आरजेडी की एमएलसी उम्मीदवार मुन्नी रजक वह बाथरूम में कपड़े धोते हुए कह रही हैं कि मेरा शुरू से ही कपड़ा धोने का ही काम रहा है, मेरे माँ बाप भी कपड़े धोने का काम करते थे, अब हम उच्च सदन में जाएंगे और इसी तरह भाजपा को पटक पटक कर धो देंगे। वहीं आगे कहती हैं कि रजक का जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कपड़ा धोना छोड़कर उसमें शामिल होने चले जाते हैं। किसी महिला को कोई प्रताड़ित करता है तो हम उसकी मदद के लिए खड़ी हो जाते हैं। मुन्नी रजक आगे कपड़े धोते हुए कहती हैं कि पटक पटक कर धोकर भाजपा की सरकार को गिरा देंगे। आपको बता दें कि अपना नॉमिनेशन दाखिल करते ही मुन्नी देवी ने बीजेपी पर हमला बोला था और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा था कि हम जाति से ही नहीं अपने पेशे से भी धोबी हैं। जिस तरह कपड़े को पटक पटक कर धोते हैं उसी तरह सांप्रदायिक शक्तियों को सदन में पटक कर धो देंगे। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी की विधान परिषद प्रत्याशी मुन्नी देवी ने सोमवार को विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया था। हलफनामे के अनुसार जिस मुन्नी देवी के पास अपना मोबाइल तक नहीं था वो 23 लाख रुपए की संपत्ति की मालकिन निकली। हलफनामे की डिटेल के मुताबिक मुन्नी देवी के पास 8 लाख रुपए की चल और 15 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कहीं किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं है। उनके नाम से 6.6 लाख रुपए का लोन चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि गरीब आदमी को जितना सहज लालू यादव के साथ दिखा उतना किसी अन्य नेता के साथ नहीं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी, महंगाई का बोलबाला है उस हिसाब से तो भाजपा को ऐसे पटक पटक कर धो ही देना चाहिए ताकि देश का कुछ भला हो सके। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा कि बिहार की जो हालत भाजपा काल में हो गई है, शायद ही वो कभी किसी समय में बिहार की हुई हो। एक दूसरे ट्विटर यूजर ने वीडियो पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भाजपा के कारण देश का नाम बदनाम हो चुका है। आपने नहीं देखा, नुपुर शर्मा के कारण छोटे देश भी आज भारत को माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। इस खबर में सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहे MIM News Express।